स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं, मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। देखिए आज मेरा एक स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, पहले तो मैं अपने गले के लिए क्षमा मांगता हूं, गला बैठा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुरी में भव्य रोड शो था। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था, अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा।